नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार के बेटे ने टोक्यो पैरालंपिक में रचा इतिहास। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीता गोल्ड। पटना में 190 बेड के रूबन एक्सटेंशन सेंटर की शुरुआत। सभी सुविधाओं के साथ होगा कैंसर का इलाज। पटना में बन रहा डबल डेकर फ्लाईओवर, सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। लोगों को अशोक राजपथ पर जाम से मिलेगी मुक्ति। बिहार में तीसरी लहर की आशंका। पटना एम्स में भर्ती हुए कोरोना पॉजिटिव 2 बच्चे, 1 बच्चे की मौत। वेरिएंट का पता लगाने में जुटे डॉक्टर। आरा में जल्द होगा सड़कों का विकास। सांसद आरके सिंह ने की समीक्षा बैठक। मुखिया चुनाव से पहले गया में डबल मर्डर। चुनाव प्रचार कर लौट रहे शख्स पर गोलियों की बारिश। नीतीश सरकार की लापरवाही से घुसखोरी के आरोपी सिपाही को फायदा। हाईकोर्ट ने फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में हाई अलर्ट। पटना में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के बेटे प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने बिहार के साथ साथ देश का मान भी बढ़ाया है। पदक जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। वैसे तो प्रमोद भगत बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 5 साल की उम्र में पैर में पोलियो के कारण उनकी बहन बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा लेकर चली गई थी, जहां उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बैडमिंटन खेलना शुरू किया। प्रमोद के पिता गाँव में रहकर खेती करते हैं। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथल को 21-14, 21-17 से हराया। इसके साथ ही 33 साल के प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए हैं। बिहार के रूबन मेमोरियल अस्पताल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में आधुनिक सेवाओं से युक्त 190 बेड का रूबन एक्सटेंशन सेंटर को पटना के पाटलिपुत्र स्थित अस्पताल के समीप लोकार्पित किया है। यह जानकारी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ पेशेंट तथा सभी अटेंडेंट के लिए विश्व स्तरीय कैफेटेरिया भी समर्पित किया गया है, जहाँ खान पान की सेवाएं दिन रात दी गई है। नए परिसर में कैंसर संबंधित सभी मेडिकल और सर्जरी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं बहाल है। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर, हेड नेक के बेहतर इलाज की सुविधा दी गई है। डॉक्टर सत्यजीत ने तंबाकू नशा सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को चेताया और कहा है कि इसका परित्याग करें। छपरा के बाद अब राजधानी पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। पटना के गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 442 करोड़ की लागत से पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 2.198 किलोमीटर है। सड़क निर्माण विभाग के आदेश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने कारगिल चौक के पास होने वाले शिलान्यास समारोह की पूरी तैयारी की। यहां मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखी। इस समारोह में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना समेत विभाग के अधिकारी और दूसरे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहत सुनाई दे रही है। लगातार हजारों नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। बिहार से भी हैरान करने वाली एक बात सामने आई है। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 2 बच्चों को भर्ती कराया गया है। एम्स के डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित के वेरिएंट के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एम्स में 24 घंटे के अंदर राजधानी पटना के गोसाई टोला के रहने वाली कोरोना संक्रमित बच्ची की मौत हो गई। बीते दिन महज 4 साल की एक और बच्ची सिया कुमारी को एम्स में भर्ती कराया गया है। सिया बिहार के छपरा जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाली है। इसका इलाज पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, वहां से रेफर करने के बाद सिया को एम्स में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आरा में सड़क व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय मंत्री सह सांसद आरके सिंह ने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के चीफ इंजीनियर PR मीना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टेक्निकल मेंबर महावीर सिंह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चीफ जनरल मैनेजर LP पंथी, बिहार पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्कर मिश्रा शामिल हुए। बैठक में आरा में सड़कों के विकास को लेकर अहम प्रस्तावों की समीक्षा हुई, जिनमें आरा में रिंग रोड का निर्माण, पटना बक्सर हाईवे, आरा सासाराम हाईवे, आरा मोहनिया हाईवे और दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड के विकास शामिल हैं।
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मुखिया चुनाव से पहले अपराधी भी काफी एक्टिव हो गए हैं। गया जिले में बदमाशों ने डबल मर्डर की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। दो अलग अलग घटनाओं में बदमाशों ने गोली मारकर दो लोगों की हत्या की है। पहली वारदात गया जिले के कोच की है। यहां बदमाशों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान कोच पंचायत के रहने वाले मृत्युंजय दास के रूप में हुई है। घटना का कारण पंचायत चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। वहीं दूसरी वारदात गया जिले के मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र की है। यहां केंदवा गांव के पास देर रात युवक राजा विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में उग्र लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। हत्या और सड़क जाम की सूचना पर मगध मेडिकल कॉलेज थाना की पुलिस पहुंची, जिसे लोगों ने खदेड़ दिया। घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए एक पुलिस सिपाही को सरकार की लापरवाही का फायदा मिला था। नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए सिपाही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसे वहां से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है और सरकार को कहा है कि उसे फिर से नौकरी में बहाल करे। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कानूनी तरीके से विभागीय कार्रवाई करने की छूट सरकार को दी है। दरअसल मामला कैमूर जिले में पदस्थापित रहे सिपाही आनंद कुमार सिंह का है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच ने आज उसकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे फिर से नौकरी में बहाल करने को कहा है। आनंद कुमार सिंह को घुसखोरी के आरोप में 10 जुलाई 2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सिपाही आनंद कुमार सिंह कैमूर के मोहनिया थाने में 2015 में पदस्थापित था। दीपक चौबे नाम के एक आवेदक ने कैमूर एसपी के पास गुहार लगाई थी कि मोहनिया थाने के इंस्पेक्टर उनसे घूस मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर ने घूस की राशि लेकर सिपाही आनंद कुमार सिंह से मिलने को कहा। एसपी ने दीपक चौबे की शिकायत के आधार पर टीम बनाई। पुलिस की टीम ने ही सिपाही आनंद कुमार सिंह को 6 अक्टूबर 2015 को 1,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसे जेल भेज दिया गया। पहले उसे सेवा से निलंबित किया गया। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय है। इस वजह से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। नेपाल में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। उधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि पटना के विभिन्न इलाकों में अगले 2 से 3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। नेपाल के पोखरा में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पोखरा इलाके में शुक्रवार को 280 mm मूसलाधार बारिश हुई है। इससे गंडक का पानी बिहार में एक बार फिर से की आशंका है। इसीलिए जल संसाधन विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को अधिक सावधानी बरतने और तटबंधों पर निगरानी रखने को आदेश दिया है। नेपाल से पानी गंडक नदी में आने की आशंका है, लेकिन बिहार सरकार ने एहतियातन बागमती नदी और कोसी नदी से जुड़े जिलों को भी सतर्क कर दिया है। गौरतलब हो कि इस नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भी वर्षा काफी हुई है। इन जिलों के डीएम को भी विभाग ने संदेश दिया है। साथ ही अपने इंजीनियरों को कहा है कि वह 24 घंटे जलस्तर पर निगरानी रखे और तटबंधों पर पेट्रोलिंग करते रहे। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा किस गर्त में चल गई है, इसका विभत्स उदाहरण बेगूसराय में देखने को मिल गया है। सरकारी स्कूल में बच्चों के स्मार्ट क्लास में स्क्रीन पर अश्लील भोजपुरी गीत और डांस दिखाया जा रहा था। क्लासरूम का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों के गार्जियन और दूसरे लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच कराएंगे। दरअसल मामला बेगूसराय के बखरी प्रखंड में राटन मध्य विद्यालय की है। वहीं का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, स्मार्ट क्लास के लिए वहां स्क्रीन लगा है, उस पर अश्लील भोजपुरी गीत और नृत्य चल रहा है। इस बीच गंदी गालियां भी सुनाई दे रही है। ये हाल मिडिल स्कूल का है, जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले ही राटन के मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की है। कहा यह गया था कि इसके सहारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन असल में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, इसकी पोल वायरल वीडियो से खुली है। बिहार में कोरोना वैक्सीन के दौरान तरह तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले गोपालगंज में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी का कारनामा सामने आया था, जो टीका लेने आए लोगों को चप्पल से पीट रही थी। गोपालगंज में ही दीवार फांदकर खिड़की से टीका लेते एक आदमी का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब पड़ोस के सारण यानी कि छपरा जिले में नई घटना हुई है। टीकाकरण केंद्र से कुछ दबंग कोरोना वैक्सीन ही ले भागे हैं। मामला सारण जिले के दिघवारा प्रखंड के त्रिलोकचक का है। वहां मनरेगा भवन में टीकाकरण केंद्र लगाया गया था। इस केंद्र पर हुए एक वाक्य का वीडियो वायरल हुआ है।
वीडियो में दिख रहा है कि कुछ दबंग उधम मचाते हुए वैक्सीन की शीशी लेकर ही जा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। दिघवारा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकी में कहा है कि कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हुए जबरन कोरोना वैक्सीन की 2 शीशी अपने साथ लेकर चले गए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।